Good morning all of you. Today I am going to teach you the 22 chapter of EVS of class book KG, that is Blue Sky. Okay, so in this chapter we are going to learn about what we are seeing in the blue sky. Okay, तो इस चैप्टर में हम लोग ब्लू स्काई के बारे में पढ़ेंगे. ब्लू स्काई मीन्स नीला आसमान, और नीला आसमान में हम लोग क्या क्या देखते हैं और उसके क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो ब्लू स्काई, ब्यूटीफुल ब्लू स्काई इज ओवर आवर हेड. ब्लू स्काई हम लोग क्या सर के ऊपर, नीला आसमान कहाँ होता है, सर के ऊपर होता है. देयर आर मेनी थिंग्स इन द स्काई लाइक सन, मून एंड स्टार. हम लोग स्काई में क्या क्या देखते हैं, सन देखते हैं, मून देखते हैं और स्टार देखते हैं. तो हम लोग चलिए ब्रीफली पढ़ते हैं कि सन, मून और स्टार क्या होते हैं, हम लोग को कब कब दिखते हैं. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. इट इज़ अ बॉल ऑफ फायर, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन कब उगता है, किधर, ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है. ये क्या है, एक बॉल ऑफ फायर है, मीन्स आग का गोला है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन से हम लोग को क्या मिलता है, रोशनी मिलता है, गर्मी मिलता है, और गर्मी हम लोग को ठंडी के मौसम में अच्छा लगता है. गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है. ठीक है, तो हम लोग को सन से ही गर्मी और रोशनी मिलता है. नेक्स्ट द मून, वी कैन सी द मून इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट. द मून कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप एवरी नाइट. मून क्या होता है, हम लोग को रात में मून दिखता है. सभी लोग देखे हैं, सबको पता है कि मून रात में हम लोग देख सकते हैं. मून कीप्स चेंजिंग इट्स शेप एवरी नाइट, मीन्स हर रोज़ मून का शेप चेंज होता है, मीन्स आकार चेंज होते रहता है. इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. लेकिन मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है, ये सूरज के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिससे हम लोग को रोशनी नजर आता है. ठीक है, उसके बाद देखिए स्टार, वी सी द स्टार ट्विंकलिंग ब्राइट एट नाइट. देयर आर मेनी स्टार इन द स्काई, मीन्स स्टार हम लोग कब देखते हैं, आसमान में हम लोग रात में देखते हैं. और क्या होता है, स्टार ट्विंकल करता है, बहुत ब्राइट होता है. ठीक है, और स्टार बहुत सारे होते हैं. देयर आर मेनी स्टार इन द स्काई, सो वी कैन नॉट काउंट देम. इसीलिए हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लोग काउंटलेस होते हैं, हम लोग स्टार कभी काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, स्टार आर फार अवे फ्रॉम अस, और स्टार हम लोग से बहुत बहुत दूर होते हैं. ठीक है, तो ये सारे तीन हैं, और तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सूरज किस लिए होते हैं, सूरज क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मून का क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्स का क्या है मेन कैरेक्टर. ठीक है, तो इस ब्लू स्काई में हम लोग तीन चीज़ देखते हैं, सन, मून, स्टार. सन हम लोग को दिन में नज़र आता है, मून हम लोग रात में देखते हैं, स्टार भी हम लोग रात में देखते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग को ब्लू स्काई के बारे में पढ़े हैं, और ब्लू स्काई क्या होता है ये समझ गए हम लोग. ठीक है, सो दिस मच इज गिवन इन दिस चैप्टर एंड देयर इट इज. और इस चैप्टर में हम लोग का कोई भी एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही दिया हुआ है, एक्सरसाइज नहीं है. तो द वर्क, द होमवर्क फॉर यू ऑफ फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट यू विल रीड दिस चैप्टर वेरी नाइसली लाइन बाय लाइन. ठीक है, इस चैप्टर को आपको एकदम लाइन बाय लाइन रीड करना है और याद भी करना है कि सन, मून और स्टार क्या होते हैं, स्काई में हम लोग क्या देखते हैं, सन कब निकलते हैं, कब डूबते हैं, मून कब हम लोग को नज़र आता है, स्टार कब नज़र आता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.